जियो समर सरप्राइज ऑफर लेने वाले यूजर्स के ऑफर की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। धन धनाधन ऑफर भी इस महीने के आखिर तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में यूजर्स के लिए बड़ा सवाल ये है कि यूजर्स को आगे कौन सा रिचार्ज करवाना है, क्योंकि जियो ने अभी तक किसी नए ऑफर की पेशकश नहीं की है। यहाँ हम आपको उन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं जो इस वक्त जियो यूजर्स के मन में चल रहे हैं। जियो के प्रवक्ता का कहना है कि दोनों प्लान 15 जुलाई के आसपास खत्म हो जाएंगे, लेकिन यूजर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लान खत्म होने के एक हफ्ते पहले यूजर्स को मैसेज आ जाएगा। अगर प्लान खत्म होने का मैसेज नहीं मिलता है तो प्लान जारी रहेगा। बता दें कि यूजर्स ने अलग अलग डेट पर धन धनाधन और समर सरप्राइज प्लान लिया था, इसीलिए सभी की प्लान वैलिडिटी भी अलग अलग रहेगी। अगर आप उन शुरुआती लोगों में से हैं जिन्होंने जियो प्राइम मेंबरशिप प्लान लिया था और समर सरप्राइज ऑफर में 303 रुपए या उससे ज्यादा का रिचार्ज कराने से पहले 149 या उससे कम का कोई रिचार्ज करवा लिया था, तो जियो समर सरप्राइज ऑफर की वैधता खत्म होने के बाद आपके अगले रिचार्ज शुरू हो जाएंगे और प्लान की वैलिडिटी खत्म होने तक सेवाएं मिलती रहेंगी। इसे कुछ इस तरह समझिए, अगर आपने सबसे पहले 99 वाली जियो प्राइम मेंबरशिप ली और इसके बाद 149 का रिचार्ज या 303 रुपए का रिचार्ज कराया था, तो इस स्थिति में अगर आपकी मुफ्त सेवाएं 30 जून को खत्म हुई हैं, तो आपका 303 रुपए वाला रिचार्ज 28 जुलाई तक एक्टिव रहेगा और फिर 29 जुलाई से अपने आप 149 वाला रिचार्ज एक्टिव हो जाएगा। ये रिचार्ज खत्म होने पर आप हर महीने 309 रुपए का रिचार्ज कर सकते हैं। इस प्लान में 28 दिन तक हर दिन 1 GB डेटा और फ्री कॉलिंग मिलेगी। इससे कम और ज्यादा अमाउंट वाले प्लान भी उपलब्ध हैं। जिन यूजर्स ने 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद सीधे 309 रुपए में धन धनाधन ऑफर लिया था, उनका ऑफर जुलाई लास्ट तक खत्म हो जाएगा। उनके पास पहले का कोई रिचार्ज नहीं है, इसीलिए उन्हें सर्विसेज का लाभ लेने के लिए तुरंत रिचार्ज कराना होगा। हालांकि अब भी नए यूजर्स धन धनाधन ऑफर का मजा ले सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को 309+99 यानी 408 का रिचार्ज कराना होगा और अगले 3 महीने तक जियो की सारी सेवाएं फ्री मिलेंगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।